आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ रॉकेट आर x is equals to 2t, y equals to minus 4 and z is equals to 4t, where the time t is given in seconds and the coordinates of a moving point in kilometer. So what is the path of the rocket? At what distance will the rocket be from the starting point O, 0, 0 and from the following line in 10 seconds? We have given vector r is equals to 20i minus 10j plus 40k plus mu, 10i minus 20j plus 10k. So, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो x बराबर 2t, y equals to minus 4 और z बराबर 4t गिवन है, इसे एलिमिनेट करेंगे और इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। सो यू कैन से इक्वेशन ऑफ द पाथ विल बी, इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या बन जाएगी, देखिए x इज इक्वल टू 2t है ना, तो आप इसको लिखेंगे x अपॉन 2 is equals to, ये क्या बन जाएगा y upon minus 4 और ये बन जाएगा z upon 4, क्योंकि अगर equals to t होता तो x बराबर 2t मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम कह सकते हैं जो ये मिली है हमें क्या है, which are the equation of the line passing through the origin. It is given in the question. Passing through the origin, और जिसकी direction ratio क्या है, origin having direction ratios क्या क्या है, direction ratios 2 हो गया, माइनस 4 एंड 4 हो गए, ये तीनों नंबर जो हमारे डिनोमिनेटर में। द लाइन इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, ठीक है। सो दिस लाइन, ये जो लाइन है यही रॉकेट का पाथ है, इज द पाथ ऑफ द रॉकेट। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, ये लाइन ही, दिस लाइन इज द path of the rocket. This is the answer of the first part of the question. Now second part, at what distance? अब हमें find out करनी है distance. So हम लिख सकते हैं, हमें दिया है time t की value 10 second. जब question में given है t की value 10 seconds है, तो rocket के उस समय किस point पे equals to, हम t की value रख देते हैं इसमें 10 second. तो x बराबर 20, y बराबर minus 40 और z बराबर कितना हो जाएगा 40. तो जब हम कहेंगे t बराबर 10 seconds है, तो the rocket will be at the point, क्या हो गया 20 minus का 40 and 40, तो required distance कितनी हो जाएगी, required distance from the origin और कहां से, at 10 seconds, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का, दिस इज प्लस 20, माइनस 40 का स्क्वायर और प्लस के 40 का स्क्वायर किलोमीटर। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 20 इंटू 3 पूरा सॉल्व हो गया 60 किलोमीटर। ये तो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया। नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालेंगे, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, अ पॉइंट क्या है, वही हमारे 20 माइनस 40 एंड 40 गिवन लाइन। क्वेश्चन में हमें वेक्टर आर की वैल्यू भी गिवन है, फ्रॉम द गिवन लाइन, हम इसको 60 किलोमीटर पे नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन अभी फर्दर है, इससे हमें निकालना है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, देखिए इट कैन बी रिटन एज वेक्टर ए टू माइनस ए वन इंटू बी वैक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ अपॉन क्या होता है फॉर्मूले में, मॉड बी। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का 30 जे
ठीक है, इनटू करेंगे आप 10i माइनस का 20j और प्लस के 10k से, अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड बी, तो वैल्यू रख देते हैं पहले फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 10i माइनस का 20j कैप है 10k, ठीक है, सब पे ये कैप लगेगी, आई पे, यहाँ पे भी है, जे पे, आई पे, जे पे और के पे, ठीक है ना। ये हो गया किलोमीटर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा माइनस का 300i प्लस का 300k, इधर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितने किलो, कितना आएगा 10i माइनस का 20j प्लस का 10k किलोमीटर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बी 300√2, क्यों कैसे, माइनस का 300 का स्क्वायर प्लस का 300 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 300√2, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये मिला हमें 10√6। इसको सॉल्व कर ली, 0 से 0 गया, √2 से √6 √3 होगा, फिर इसको रैशलाइज किया तो 10√3 किलोमीटर विल बी द आंसर। सो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 10√3 किलोमीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।